कल जो मंत्र हमने प्रारंभ किया, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो सबको परमात्मा में देखता है। और अगली पंक्ति में कहा कि जो सर्वभूतेषु चात्मानं, सब भूतों में जो आत्मा को देखता है, सबको परमात्मा में देखता है और सब में परमात्मा को देखता है। कल आपके सामने मैंने बात रखी कि जुगुप्सते ततो नवि जुगुप्सते, जुगुप्सते का अर्थ निंदा करना है। जो व्यक्ति सब में परमात्मा को देखता है और सबको परमात्मा में देखता है, वही व्यक्ति निंदा से रहित हो सकता है। निंदा का तात्पर्य महर्षि दयानंद का अभिप्राय आपके सामने रखा था कि गुणों में दोष दर्शन और दोषों में गुण दर्शन, ये निंदा कहलाता है। तो इस संसार को जो व्यक्ति ईश्वर से रहित देख रहा है, ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मान रहा है, वो एक तरह से निंदा कर रहा है। महर्षि दयानंद ने निंदा करने की जो दृष्टि हमें दी, निंदा का तात्पर्य दिया, उसी को आधार बना करके हम इसकी व्याख्या अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस मंत्र में ईश्वर की सर्वव्यापकता का भान हमको कराया जा रहा है और ईश्वर की सर्वव्यापकता कुछ इतनी महत्वपूर्ण बन गई है, इस पूरी उपनिषद में अनेक जगह इस बात को उद्धृत किया गया। यदि हम प्रथम मंत्र को देखें तो वहां कहा गया था ईशा वास्यम इदम सर्वम, ये सारा संसार ईश्वर के अंदर बसा हुआ है और ईश्वर इसमें बसा हुआ है और ईश्वर ने इसको आच्छादित कर रखा है। वही बात यहां कुछ दूसरे ढंग से कही जा रही है। ईश्वर की सर्वव्यापकता को मानना इतना प्रमुख बनाया, ये इतना प्रमुख है, इसको अनेक बार स्थान दिया गया। और जिस मंत्र को अभी हम देख रहे हैं, इससे पहले वाले मंत्र को भी देखें, तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंती के, अब दूसरी पंक्ति क्या कहती है, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यता, वो सबके अंदर है और सब इसी के अंदर है, वो सबके बाहर भी है और सबके अंदर भी है। ये सब कह करके ईश्वर की सर्वव्यापकता को बार बार बताया जा रहा है। आप देखेंगे, आप जानते हैं कि इस संसार में ईश्वर को मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ईश्वर को सर्वव्यापक मानने वाले अधिक नहीं हैं। और अनेक ऐसे हैं जो ईश्वर को सर्वव्यापक भी मानते हैं और एकदेशी भी मानते हैं, दोनों तरह से उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जो सर्वव्यापक है वो एकदेशी कैसे हो सकता है? इस मंत्र में जो कहा ततो न विजुगुप्सते, वेद के अंदर ये पंक्ति जब आती है तो वहां लिखा है ततो न विचिकित्सति। पहले आपको सामने ये बात रखी गई थी कि ईशोपनिषद यजुर्वेद का लगभग पूरा 40वां अध्याय है, लेकिन कहीं कहीं कुछ अंतर किया गया है और ये अंतर विजुगुप्सते की जगह विजुगुप्सते शब्द लिखा गया और जबकि वहां था विचिकित्सति। विचिकित्सति का अर्थ होता है संशय करना। तो कहा गया जो सब में परमात्मा को देखता है और सबको परमात्मा में देखता है वह ततो न विचिकित्सति, फिर संशय को प्राप्त नहीं होता, वो संशय नहीं करता। और यहां इस उपनिषद की पंक्ति में कहा गया कि वह फिर निंदा नहीं करता। तो संशय करना और निंदा करना, ये दो अलग अलग चीजें हमको प्रतीत होती हैं। वेद के मंत्रों में जो एक शब्द हटा करके दूसरा शब्द रखा गया ब्राह्मण ग्रंथों में, वहां ये शैली है कि जिस अर्थ को वेद का मंत्र कहना चाह रहा है
उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दूसरा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। किसी एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन उन अर्थों में यदि सुनने वालों को, श्रोताओं को संशय हो कि कौन सा अर्थ लिया जाए, तो उसकी स्पष्टता के लिए दूसरा शब्द रख दिया जाता है, इस तरह से जाना जाता है। तो यहां ततो न विचिकित्सति और ततो न विजुगुप्सति, इनमें परस्पर हमको साम्यता देखनी होगी। ईश्वर सब में है और सब ईश्वर में है, जो इस भाव को नहीं रखता, जो इस भाव को नहीं रखता वो एक तरह से ईश्वर की निंदा कर रहा है। ईश्वर जो सर्वव्यापक है उसको सर्वव्यापक न माने तो ये ईश्वर की निंदा करना है। स्वामी दयानंद जी ने एक जगह लिखा कि जैसे चक्रवर्ती सम्राट पूरी पृथ्वी का शासक होता है, इतनी बड़ी पृथ्वी का अकेला शासक है, और उसके लिए कहा जाए कि ये इस झोंपड़ी का मालिक है, एक घसियारिन की झोंपड़ी का मालिक है, इतना सा कहा जाए, तो उस चक्रवर्ती सम्राट की ये निंदा होगी। इसी तरह परमात्मा यदि सर्वव्यापक है और हम माने कि वो किसी एक स्थान पर ही रहता है, अथवा वो अवतार लेता है, एक शरीर में उतर के आ जाता है, एक देशी हो जाता है, तो ये ईश्वर की निंदा है। जो व्यक्ति ईश्वर को सब जगह देखता है वो ही वास्तव में इस संसार को देखता है। धार्मिक क्षेत्र में आप देखेंगे हर व्यक्ति के मन में संशय आता रहता है कि परमात्मा है या नहीं, ये सृष्टि बनी या नहीं बनी, ये सृष्टि किसने बनाई, इस सृष्टि को तो वैज्ञानिक भी देख रहे हैं लेकिन इस प्रश्न पे वो भी अभी संशयित हैं, इस प्रश्न का उत्तर उनके पास भी नहीं आया कि आखिर सृष्टि बनी क्यों है, सृष्टि कैसे बनी, इसकी अनेक अवधारणाएं वो देते हैं, कैसे कैसे बनती है, कैसे परिवर्तन आता है, उसकी बहुत सारी व्याख्या वो करते हैं। लेकिन ये देखते देखते वैज्ञानिक के भी मन में ये प्रश्न तो उठेगा कि आखिर ये चल क्यों रहा है, ये कब से शुरू हुआ था, ये अपने आप चल रहा है क्या, उसके मन में संशय आएगा। जो व्यक्ति ये मानते हैं कि ये सृष्टि अपने आप बन गई, अनेक धार्मिक संप्रदाय इस बात को मानते हैं ये सृष्टि अपने आप बन गई, और वो अपनी दृष्टि से देखते हैं कि उनका मार्ग ठीक चल रहा है इतना मानने पर भी, लेकिन वेद कहता है कि जो व्यक्ति ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानता, ईश्वर के द्वारा इस सृष्टि को निर्मित नहीं मानता, वो संशय में अवश्य आएगा। क्योंकि ईश्वर ने ये बुद्धि ऐसी बनाई है कि वो विचार करेगी, विवेक करेगी, तर्क करेगी, आपकी जो भी मान्यता हो वो विचार अगर खुले दिमाग से कर रहा है, थोड़ा भी विचार करेगा तो ये प्रश्न तो उठेगा। यदि परमात्मा किसी स्थान विशेष पर है, किसी विशेष आसमान पर है, सिद्ध शिला में है या ब्रह्मपुर में है, तो आखिर ये सबको कैसे बना रहा है, थोड़ा भी विचार करेगा तो उसको संशय पैदा हो जाएगा, जो मान्यताएं हैं उसमें संशय पैदा हो जाएगा। और पिछले दिनों मैंने आपको उल्लेख किया था कि एक आचार्य जो कि ईश्वर को सृष्टि का रचयिता नहीं मानते, उनका ईश्वर जो है वो इस सृष्टि का रचयिता नहीं है, उनकी पिछली परंपरा रही है वो सब ऐसा मानते हैं, लेकिन उनका एक वक्तव्य, एक उद्बोधन समाचार पत्र में आया तो वो इस पंक्ति को लिख गए वहां पर, ये सृष्टि बनी है तो इसका बनाने वाला भी अवश्य होगा। ये वाक्य उनकी लेखनी से ऐसे ही नहीं लिखा गया होगा, एक मान्यता वालों के वो आचार्य हैं, सर्वपूज्य हैं, उनका एक वाक्य भी दूसरों को आंदोलित कर सकता है, उनकी मान्यता को खंडित कर सकता है। ये वाक्य लेखनी से लिखा गया उससे पूर्व कितना उनके मन में विचार हुआ होगा, और विचार से पूर्व संशय हुआ होगा, निश्चय हुआ उससे पूर्व संशय हुआ होगा, ये जो हमारी मान्यता है सृष्टि अपने आप बन गई ये ठीक है या नहीं है, जो भी विचार करेगा उसको निर्णय पे आना होगा। और जब तक व्यक्ति
ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानेगा तब तक संशय से रहित हो ही नहीं सकता हूं। और दो शब्द आपके सामने रखे, ततो न विजुगुप्सते और ततो न विचिकित्सते। ईश्वर के बारे में यदि हम संशय करें कि वो सर्वव्यापक है या नहीं है तो ये ईश्वर की निंदा ही है। किसी बड़े व्यक्ति के प्रति, महान व्यक्ति के प्रति हम संशय मात्र कर दें यही उसकी निंदा है। सीधे सीधे आरोप लगाएं वो तो निंदा है ही, किसी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति की ईमानदारी पर, बहुत ईमानदार व्यक्ति की ईमानदारी पर यदि संशय भी हमने प्रकट कर दिया तो उसकी तो निंदा कर दी हमने। ईश्वर जो सर्वव्यापक है उसके प्रति यदि संशय पैदा कर दिया, संशय पैदा हो रहा है, तो हम ईश्वर की निंदा कर रहे हैं। तो जब पहली पंक्ति में कहा गया कि जो व्यक्ति सारी वस्तुओं को परमात्मा में देखता है, इसका तात्पर्य है कि जो सारी वस्तुएं हैं वो तो थोड़ी सी हैं और परमात्मा बहुत अधिक है, बहुत बड़ा है, इन सबसे बहुत बड़ा है। ये कथन ऐसा है जैसे हम कहें कि नमक आटे में है, जो नमक को आटे में देख रहा है। लेकिन ऐसा अगर कह दिया तो इतना तो सिद्ध हो जाएगा कि ये वस्तुएं थोड़ी हैं और ईश्वर बहुत व्यापक है। लेकिन इनके अंदर भी परमात्मा है, इसको बताने के लिए दूसरी पंक्ति में कहा कि जो इन सब वस्तुओं के अंदर भी परमात्मा को देखता है। और तब जाकर के जो व्यक्ति ऐसा देखता है तो जाकर के उसके फिर संशय समाप्त होते हैं, नहीं तो उसके संशय सदैव बने रहेंगे। अध्यात्म के क्षेत्र में किसी मत संप्रदाय से व्यक्ति चल रहा हो, यदि इस तरह से ईश्वर को सब में घुला मिला नहीं मानेगा, सर्वव्यापक नहीं मानेगा, तो विचारशील है तो उसमें प्रश्न तो अवश्य आएंगे। ईश्वर ने बुद्धि ही ऐसी दे रखी है कि प्रश्न आएंगे। ये बुद्धि ऐसी बना रखी है कि वो सत्य की तरफ ही जाती है। ये अलग बात है कि अत्यधिक हट दुराग्रह हो तो व्यक्ति अंदर बात स्वीकार करते हुए भी बाहर नहीं स्वीकार करेगा, अथवा अंदर भी स्वीकार नहीं करेगा। अब हम देखें कि ईश्वर की निंदा वो सब व्यक्ति कर रहे हैं जो ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मान रहे, और उनकी बात छोड़ें जो हम ईश्वर को सर्वव्यापक मानते भी हैं स्थूल रूप से, बौद्धिक रूप से, लेकिन व्यवहार में हम उसकी पालना, उसके प्रभाव को नहीं देख पाते। इस मंत्र के अर्थ में स्वामी जी ने लिखा जब व्यक्ति ऐसा देखने लगता है तो ईश्वर से डर करके केवल शुभ कर्म ही करता है, केवल शुभ कर्म करता है। अर्थात ईश्वर की सर्वव्यापकता को मानने का एक फल हमारे व्यवहार में ये आना ही चाहिए कि हमारे पाप कर्म दूर हो जाए। हम जो कार्य सबके सामने नहीं करते हैं अधर्म मान करके, हमारी बेइज्जती होगी ये मान करके, उसको हम अकेले में कर लेते हैं, अर्थात ईश्वर को हम वहां पर स्वीकार नहीं करते, तो ये भी ईश्वर की निंदा ही हो गई। हम ईश्वर की आज्ञा को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ईश्वर की अवहेलना कर रहे हैं, ये ईश्वर की निंदा ही है। हम यदि अपने माता पिता की आज्ञा को उनके सामने तो मान रहे हैं, लेकिन जब वो सामने ना हो तब नहीं मान रहे हैं तो ये उनकी अवज्ञा ही है, ये उनका अपमान ही है, ये उनकी निंदा ही है। तो हम सामने मान रहे हैं, माता पिता की, गुरुजनों की बात मानना, उनका सम्मान करना तो तब सार्थक है जब वो हो या ना हो तो भी हम उसका पालन करें। आचार्य रजनीश के प्रवचन में एक बार उन्होंने बात रखी, उन्होंने अपने आश्रम में एक नियम बना रखा था कि लाल रंग के वस्त्र ही पहन के आएंगे, फला कक्षा के अंदर सफेद वस्त्र ही पहन करके आएंगे, इसी तरह से कुछ वहां नियम बना रखे थे। एक दिन उन्होंने प्रवचन में कह दिया कि तो मैंने अपनी तरफ से कहा है और आप कर रहे हैं तो इससे कोई प्रगति विशेष नहीं होगी, इसको आप स्वयं अपने हृदय से करें, इन कार्यों को आप अपने हृदय से करें, आप अपनी स्वतंत्रता से करें, इच्छा पूर्वक करें। और अगले दिन से छूट दे दी उन्होंने।
तो अगले दिन देखा तो बहुत सारे व्यक्ति भिन्न वस्त्र में आए, जो नियम बना रखे थे उससे भिन्न चीजों को वो उन्होंने किया। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने कहा कि मेरे को इस बात का दुख है कि अब तक जो आप चल रहे थे वो आप इन बातों को बिना समझे चल रहे थे, अब जब छूट दी तो आपने उसको छोड़ दिया। आप अगर मेरे भक्त हैं, आप अगर मेरी बात मानते हैं, मेरे को ठीक मानते हैं, तब तो मेरे स्वतंत्रता दिए जाने पर भी आपको वैसे ही चलते रहना चाहिए था। अर्थात यदि हम सामने वाले की भावना को समझ रहे हैं, माता पिता की गुरुजन की भावना को समझ रहे हैं और उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं, तब तो उनका सम्मान कर रहे हैं। और यदि उन्होंने हमें स्वतंत्रता दे दी अथवा वो वहां ना हो और फिर हम अपनी इच्छा से उसके विपरीत कुछ करने लगे, तो हम उनका सम्मान नहीं कर रहे, हम उनकी निंदा कर रहे हैं। ईश्वर ने इस सृष्टि बना करके मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र रखा है, ईश्वर की कृपा है, उसने हमें कर्म करने में स्वतंत्र किया है। अन्य प्राणी तो परतंत्र हैं, विधि विधान से चलते हैं, लेकिन हमको स्वतंत्र किया। और स्वतंत्र होने के बाद यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो ये ईश्वर की निंदा है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को सब में देख रहा है और सब में ईश्वर को देख रहा है, वो व्यक्ति, ये बहुत ऊंचे स्तर की बात है, अंदर से जो व्यक्ति ऐसा समझ लेता है वो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा हुआ है। और वो फिर वास्तव में ईश्वर की निंदा अवहेलना नहीं कर रहा और वास्तव में वही ईश्वर पर विश्वास कर रहा है, वो ईश्वर पर संशय नहीं कर रहा, वो हर जगह वैसा ही आचरण कर रहा है जैसा कि ईश्वर का निर्देश है, वो ईश्वर पर संशय नहीं कर रहा, संदेह नहीं कर रहा, अविश्वास नहीं कर रहा। और जब हम अलग से अन्य व्यक्ति ना हो और फिर हम कुछ भी गलत कार्य करते हैं, इसका मतलब है कि हमको ईश्वर पर अभी विश्वास नहीं है, ईश्वर पर हमें हमको संशय है। हम शायद मन में ये बात रखते हो कि ईश्वर से बच जाएंगे, ईश्वर हमारे को फल नहीं दे पाएगा, ये सारे के सारे वितर्क, ये संशय हमारे मन में आते रहेंगे। तो जो व्यक्ति सब में ईश्वर को देख रहा है और ईश्वर को सब में देख रहा है, वास्तव में तो ऐसा देखने के बाद ही वो निंदा करना छोड़ पाएगा, नहीं तो वो निंदा कर ही रहा है, ईश्वर का अपमान, अन्यों का अपमान कर ही रहा है, हम सब कर रहे हैं। और ऐसा मान करके ही व्यक्ति संशय से पूरी तरह से रहित हो सकता है, नहीं तो हमको गाहे बगाहे संशय आएगा। हम भले ही कितना दृढ़ निश्चय कर लें ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन अंदर से नहीं माना है तो कुछ ना कुछ आचरण के अंदर हमको संदेह आएगा और हम संदेह में पड़ेंगे। और कहा गया संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है वो नष्ट हो जाता है, उस मार्ग पर चल ही नहीं सकता। और योग के 9 अंतरायों में भी व्याधि, स्त्यान और संशय, तीसरा अंतराय संशय कहा गया, वो भी हमारे योग में बाधक बनेगा। तो ईश्वर इस वेद मंत्र के माध्यम से हमें उपदेश दे रहा है, उपनिषद ये उपदेश दे रही है कि हम अपने संशय को दूर करें। और संशय को दूर करना है तो हमको सबको ईश्वर में देखना होगा और ईश्वर को सब में देखना होगा।